एवं उपस्थित सभी सहाध्यापकगण, मेरे साथ उपस्थित आचार्य रतनपाल जी, संवादिक भाई तथा अनिल सिंह सोंदी जी, उपस्थित मेरे सभी प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हम क्यों यहां इकट्ठा हुए, क्या कारण है? हम इकट्ठा हुए हैं अपने मां की याद करने के लिए, मां को याद करने के लिए। कौन सी मां? सरस्वती की। सरस्वती कौन है? विद्या की देवी। कौन सी विद्या? ये संस्कृत विद्या, ये शास्त्र विद्या, पूरे भारत की, विश्व की विद्या। जिसके पास विद्या निहित है, और विद्या कहां से निकला? विद्या कहां से निकली हुई है? वेदों से। कहां से? वेदों से। और वेद कौन है? भगवान के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक अमृतमय देन है ना। और ये किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में? वो वेद में जो लिखा गया है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। यदि वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो वहां से जो शास्त्र या विद्या निकले हुए हैं वो भी कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, परिवेश विज्ञान हो, हिस्ट्री इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नगर विज्ञान हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं, संगीत हो, नृत्य हो, वाद्य हो, जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब कहां से आया है? वेद से। कहां से? वेद से निकला हुआ। और वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा। हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हमें जो संस्कृत के जानने वाले हैं वो जो लिख के अपने भाषा में, अंग्रेजी हो या अपने मातृभाषा में, आंचलिक मातृभाषा में जो लिख के दे दिए हैं उसी भाषा में हम पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं। लेकिन वो भाषा में जो लिखा गया है वो क्या सही है? सचमुच सभी चीजों ने वहां लिखा गया है, सभी विषय वहां जिक्र किया गया है, ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो मूल अध्ययन नहीं कर पाते हैं, मूल विषय को तो हम नहीं जान पाते हैं। इसीलिए मूल विषय को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संस्कृत को जानना पड़ेगा, ठीक है। और यह संस्कृत, सब बोल रहे हैं संस्कृत अत्यंत कठिन है, संस्कृत तो पंडितों की भाषा है। नहीं, संस्कृत को बोला गया है कि संस्कृत देव भाषा है। कौन सी भाषा? अर्थात देवताओं की भाषा है। संस्कृत किस किन लोगों की भाषा थी? देवताओं की भाषा है। और देवों के अंश विशेष कौन है? मानव। मानव कौन है? देवताओं के अंश विशेष। इसलिए देवताओं की भाषा यदि संस्कृत है तो हमारी भाषा संस्कृत भी है।